हेलो गोइज वेलकम टू फॉरेक् सैलरी चैनल और इस वीक के वीडियो में स्वागत है आपका तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं पेपर ब्रोकर का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये ब्रोकर काफ़ी टाइम से मार्केट में है और काफ़ी रेपुटेड वन है पर कुछ रीजन्स हैं जो इंडिया के लिए सपोर्ट करता है कुछ नहीं करता है काफ़ी कमेंट्स से इसके ऊपर की बेपर स्टोन ब्रोकर का रिव्यू बनाइए तो यहाँ पर मैं इस ब्रोकर का रिव्यू करूँगा आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं जो इस ब्रोकर में अच्छी हैं क्या माइनस में हैं या फिर आप किस किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं या डिपोजिट विड्रॉल कैसे करना है और अकाउंट ओपन कैसे करना है तो अगर आपको अकाउंट भी खोलना होगा वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं मेरे अंडर में कोई इशू डिपॉजिट में या विड्रॉल में अगर कोई हेल्प चाहिए होगी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ई मेल पर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम जानना चाहें हम यहाँ पर पेपर स्टोर की वेबसाइट पर हैं तो मेन जो वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है गाइज काफ़ी टाइम से है लंबे टाइम से मार्केट में है और ये जाना जाता है कि सबसे टाइट स्प्रेड इनका अकाउंट में जो होता है इनका रिजर्व सर्प जो अकाउंट है वहाँ पर आपको काफ़ी टाइट स्प्रेड मिलता है और ये इसको पॉपुलेट भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर पॉपुलर जो करेंसीज हैं या फिर जो भी मार्केट है उनको उनका स्प्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेक्स में अगर आप देखें जी बी पी यू एस डी वन पॉइंट वन यूरोस डी जीरो पॉइंट सेवन और इस तरीके से इन सभी को यहाँ पर इन्होंने पॉपुलेट किया हुआ है इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी टूल्स हैं और रेजर आप स्प्रेड डिपेंड करता है कौन सा अकाउंट आप देखें रिलायबल हैं लाइसेंस वाइज भी और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो जो ऑस्ट्रेलिया से मैंने बोला है कि ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर हैं एसिक्स रेगुलेशन है साइसेक है तो सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है अगर आप इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं तो क्योंकि इंडिया में लोकल डिपॉजिट नहीं है ये जो मेन कंसर्न है वो आपको मैं यहाँ पर पहले बताना चाहूंगा तो ट्रेडिंग वाइज आप सभी चीजों को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स इंडेक्सेज कमोडिटीज शेयर सी एफ डीईटीएफ क्रिप्टो करेंसी इंडेक्सेस ऑल द डिटेल्स तो फॉरेक्स में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या अगर उन पर स्प्रेड है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेजर पेयर्स में क्या स्प्रेड चल रहा है स्टैंडर्ड क्या है रेजर अकाउंट में और भी कम देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइज़ करते हैं कि मेजर अकाउंट रेजर अकाउंट में इनका स्प्रेड जो है काफ़ी है जो स्टैंडर्ड में है थोड़ा ज़्यादा रहेगा डिपेंड करता है किस तरीके का अकाउंट खोलें अकाउंट टाइप में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी माइनर्स में अगर आप यहाँ पर देखें उसका स्प्रेड भी यहाँ पर देख सकते हैं अदर क्रॉसेज तो जब भी आप अकाउंट यहाँ पर खोलना चाहें पहले देख लीजिए किस पेयर में आप ट्रेड करना चाहेंगे वहाँ पर आपका स्प्रेड आपके हिसाब से है या नहीं है तो यहाँ पर आप फॉरेक्स में देख सकते हैं इंडेक्सेस में देख सकते हैं कि क्या 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 स्प्रेड है किस तरीके से चल रहा है वो सभी की चीजें आप यहाँ देख सकते हैं क्या लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हुआ मार्केट के बारे में अब आते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में प्लेटफॉर्म के बारे में गायज यहाँ पर एक जो मेन प्लस चीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू अपने चार्ट को आप ट्रेडिंग व्यू में कनेक्ट कर सकते हैं गायब और पेपर स्टोन का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू में गए अगर मैं यहाँ पर पेपर स्टोन का चार्ट देखना चाहूँ तो यूरो डी को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सभी ब्रोकर के चार्ट यहाँ पर आ जाते हैं आप देखिए पेपर स्टोन तो यहाँ पर पहले से एड है मैं इसको एड करता हूँ तो आप उंट तो मतलब से, तो से वहां पर आपको बता दूंगा किस तरीके से लिंक करना है किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू ही अलग प्लेटफॉर्म नहीं है बाकी और ब्रोकर में भी है और एक ब्रोकर है एक कैप उसके ऊपर है में चार्ट कनेक्ट कर सकते हैं तो अगर यहां पर आप देखें यूरो यूएसडी तो जितने भी ब्रोकर के नाम यहाँ पर आते हैं उन सभी को यहाँ पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिनके चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो पेपर स्टोन का भी है और एट कैप जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आप उसको भी देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है एम टी फोर एम टी फाइव सी ट्रेडर भी दिया हुआ है तो कभी है सभी चीजें हैं उन सभी प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है मुझे डिटेल में बताइए कमेंट्स में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू में भी आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इसके अलावा बात आती है कि हम इसमें डिपॉजिट और विद्रोल कैसे कर सकते हैं क्योंकि मेन इशू यही है क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है और लोकल इंडिया में डिपॉजिट इनका नहीं है तो मैं अपने अकाउंट में जाता हूं तो गाइस जब आप यहां पर अपना अकाउंट बना लेंगे तो इस तरीके से आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर काफी ऑप्शन है फंड कैसे करना है ट्रेडिंग टूल क्या है डिपॉजिट विदड्रोल सभी कुछ तो अगर यहाँ पर जो भी अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंट यहाँ पर आपके आ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं या न्यू रिक्वेस्ट आप अपना नया अकाउंट खोल लीजिए किस तरह का अकाउंट खोलना है एमटी फाइव एम टी फोर ट्रेडिंग व्यू क्या लेवरेज लेनी है पर आपको 200 की लीवरेज मिलेगी अगर आपको 500 तक की लीवरेज चाहिए तो आपको अप्लाई फॉर प्रो करना होगा और वहां पर फिर आप 500 तक की लीवरेज को यूज कर सकते हैं उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और करेंसी फिर सारा कुछ आप यहां पर डिटेल में फिल कर सकते हैं अगर आपको डिपॉजिट करना है फंड सेक्शन में जाइए या फिर अकाउंट में जाइए और वहां पर आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं जो भी अकाउंट आपने लेना है तो यहां पर मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर डिपॉजिट करता हूं तो ऑप्शन यहां पर जो आप देख सकते हैं डिपॉजिट के लिए वो ये ऑप्शन है जो कि लिमिटेड ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं यहां पर बैंक ट्रांसफर है जो कि इंटरनेशन बैंक ट्रांसफर है लोकल ट्रांसफर नहीं है इंडिया के लिए तो मैं नहीं कहूंगा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज कीजिए फिर कार्ड है कार्ड आप यूज करना चाहें तो पर कार्ड में चांसेज है अकाउंट ब्लॉक कर सकता है तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं स्किल स्किल में क्या इशू है क्योंकि यहां पर इनकी सपोर्ट ठीक नहीं है और डिपॉजिट और विड्रॉल में आपके चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं तीन से चार परसेंट आपके ईच डिपॉजिट और विड्रॉल में आपके चार्जेस पड़ जाएंगे और अगर आपका डिपॉजिट विड्रॉल अटक जाता है तो फिर वहां पर फिर इनकी सपोर्ट से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा पर अगर आपका मेथड स्मूथ हो गया है दो ही मैथड बच जाते हैं जो विड्रॉल के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं और विद्रोल के लिए भी फिर सेम ही आ जाता है जो मेथड आप डिपॉजिट के लिए यूज करेंगे वही आपको विडड्रॉल के लिए यूज करने पड़ेंगे तो नेटेलर स्किल तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो फिर तो आपके लिए बेनिफिट है मैं कहूँगा कि आप पेपर स्टोन को यूज कर सकते हैं या एट कैप या आईसी मार्केट तीनों को मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया से बाहर हैं आप बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हैं आप कार्ड यूज कर सकते हैं फिर आपको कोई इशू नहीं है ये दोनों फास्ट है इंस्टेंट है यहाँ पर हो जाएगा नेट टेलर स्किल भी कर सकते हैं अगर आपको करना चाहिए पर यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा रहते हैं मैं बताऊंगा इंडिया में है तो नेट टेलर स्किल पर अगर आप यूज करते हैं पहले से नटल स्किल तभी मैं कहूंगा कि रिकमेंड करूंगा तभी आप इसमें पेपर स्टोन को यूज कर सकते हैं अब आ जाते हैं आप इनके अकाउंट टाइप्स पे अकाउंट टाइप्स में देखे तो गय यहां पर आपको दो तरीके के अकाउंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं रेजर और स्टैंडर्ड तो रेजर अकाउंट है वहां पर आपको स्प्रेड बहुत डाउन मिलता है टाइट मिलता है पर वहाँ पर आपको कमीशन पे करना पड़ता है और जो स्टैंडर्ड अकाउंट है वहाँ पर थोड़ा कमीशन ज़्यादा रहेगा पर आपको कोई कमीशन पे नहीं करना पड़ता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया में जाएँ वो रेजर कमीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी अकाउंट है उसमें थ्री पॉइंट फिफ्टी सेवन डॉलर पर राउंड कमीशन यू एस डी में यूरो में इस तरीके से आप यहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनको डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो भी कमीशन है स्टैंडर्ड में कोई कमीशन नहीं है जैसे मैंने बोला वहाँ पर थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा रहेगा आ, रेजर अकाउंट के कंपैरिजन में स्वैप रेट मेन चीज़ जो यहाँ पर है मैं कहूँगा स्वैप पेपर स्टोन स्वैप फ्री नहीं है पर अगर तो अगर आप अपनी पोजिशन ट्रेडिंग को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको स्वैप चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो इस अगर आप होल्डिंग करते हैं मैं कहूँगा फिर आप कोई और ब्रोकर यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको कोई स्वैप चार्जेस ना पे करने पड़े इसके अलावा फिर इनका एक और आ जाता है प्रो सेक्शन वहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपका अकाउंट बड़ा है लेवरेज आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप प्रो सेक्शन के लिए हम हाँ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर फिर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे पर डिपॉजिट और विद्रॉल की लिमिट वहाँ पर ज़्यादा रहेगी आपको ज़्यादा डिपॉजिट वहाँ पर करना पड़ेगा तो ओवरऑल अगर, अगर मैं कहूँगा इस पेपर स्टोन एक बहुत अच्छा ब्रोकर है रेपुटेड ब्रोकर है काफ़ी टाइम से मार्केट में है तो अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्रोकर है आप इसको यूज़ कर सकते हैं पर अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप नेटेलर स्क्रिल यूज करते हैं वो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा वो भी अगर आपके मेथड स्मूथ हैं अगर आप चार्जेज पे करना चाहते हैं तभी फिर आप इसमें अकाउंट खोलें और आप इसको यूज कर सकते हैं अगर मैं प्लस में कहूँ क्या अच्छी चीजें हैं जैसे मैंने बोला गया इसमें स्प्रेड काफ़ी अच्छा मिल जाता है और एजुकेशन काफ़ी फास्ट और स्पीड में रहती है और ट्रेडिंग व्यू से आप अपने चार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट देख सकते हैं तो चार्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं रहे अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से कनेक्ट करना है ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग व्यू में मुझे बताइए मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में और उसमें दिखा दूंगा दूसरा सी ट्रेडर एम टी फोर एम टी फाइव तो आपके पास यहां पर काफी ऑप्शन है जो आप ट्रेड करना चाहें कोई भी प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं माइनस के लिए अगर मैं कहूँ तो डिपॉजिट विद्रॉल जो हमारा मेन कंसर्न है वो वहां पर ये क्वालिफाई नहीं करता है तो वहां पर आपको इश्यू आता है लोकल डिपॉजिट और विद्रॉल के मैथड यहाँ पर देख रहे हैं तो और फिर स्वैप जेस यहाँ पर अगर आप पोजिशन को होल्ड करते हैं एक दिन से ज्यादा तो आपको स्वैप चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो भी एक एडिशनल बर्डन रहेगा तो गुड ब्रोकर है गाइज अकाउंट कैसे खोलना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप मेरी मेंबरशिप में वहां पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपके पास पेज आ जाएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस किस तरह का अकाउंट खोलना है इंडिविजुअल ज्वाइंट कंपनी का तो उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी डेट ऑफ बर्थ मोबाइल फोन ई मेल एड्रेस पासपोर्ट जो आपने सेट करना है

पर आपका पर्सनल डिटेल पर फिल हो जाती है उसके बाद फिर आपको कौन सा अकाउंट यहां पर चाहिए आपको एम टी फाइव सी या एम टी फोर सी ट्रेडर या ट्रेडिंग व्यू जिससे भी आपको कौन सा अकाउंट टाइप चाहिए स्टैंडर्ड रेजर या मैनेज अकाउंट जिस तरीके से आप यहां पर चूज कर सकते क्या लेवरेज आपको चाहिए टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो टू हंड्रेड से अबव के लिए आपको पेपर स्टोन प्रो के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया तो आप यहाँ पर अभी हंड्रेड टू हंड्रेड तक का लेवरेज यहाँ पर ले सकते हैं और फिर आप इसमें नेक्स्ट पे कंटिन्यू कीजिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई करने होंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं आ, क्या एम्प्लॉय है मैनेजर है कहाँ पर आप काम करते हैं फाइनेंशियल सर्विस व्हाट इज योर एनुअल इनकम तो आपको एनुअल इनकम जो भी आपकी हो आप वहाँ पर इसको दिखाइए व्हाट इज़ योर प्राइमरी सोर्स इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट व्हाट इज योर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव तो आप रिस्क मैनेजमेंट हैजिंग जो भी आप करना चाहिए स्पेकुलेशन आप इसको देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट द डिग्री ऑफ़ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक विद एसेट इन द सो आप यहाँ पर हाई डिग्री हो या मॉडरेट जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर आपसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे हाउ लॉन्ग यू हैव हैविन ट्रेडिंग सो लेस देन टू ईयर मोर देन टू ईयर्स कितने पेयर्स आपने ट्रेड किए बेस्ट डू यू कन्फर्म दैट यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए डिक्लेरेशन तो जो भी है आप यहाँ पर इसको एग्री करके यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर डिटेल में अगर चाहिए तो और वेरिफिकेशन के लिए जैसे आपको एक ईमेल आएगी वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए या फिर ऐदर अपलोड तो यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी आपको देनी होगी और उसके बाद फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट तो पासपोर्ट ड्राइवर लाइसेंस नेशनल आई जो भी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और फिर आपको ई में आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी तो ये सभी स्टेप जैसे कंप्लीट हो जाते हैं आपका अकाउंट वहाँ पर आ जाएगा आपको ई में आ जाएगी और आप वहाँ से फिर अपना एम टी जो भी अकाउंट आपने खोला है उस पर लॉग करके यूज़ कर सकते हैं तो कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है विद इन वन टू डेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और आपका अकाउंट लाइव हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइज जैसे मैं बताता हूँ बाकी सभी ब्रोकर में भी सेम ही है आप अपनी आईडी दे सकते हैं आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड या फिर फिर आप एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट सिक्स मंथ की वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा कोई क्वेश्चन डाउट आते हैं आप वहाँ पर उसको क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं कोई इशू आता है गाइज मेल आई डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो होपफुली गाइज आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी प्लीज लाइक द वीडियो शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अभी के लिए धन्यवाद थैंक यू टेक केयर एंड गुड बाय